जय हिंद एवरीवन। सो जैसे आज हम सदर बाजार के अंदर प्रेजेंट हैं एक इंग्लिश क्लासेस में, इंग्लिश क्लासेस जो कि रन करी जाती है रिस्पेक्टिव राहुल यादव सर के द्वारा। तो इस क्लास में मैंने हमेशा सुना है इस क्लास के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें भी देखी हैं कि इस क्लास में इंटरव्यूज़ की तैयारी होती है और ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं साथ में। यहाँ पर SSB की तैयारी लाइक इंटरव्यूज मेनली SSB के लिए, जो कि NDA हो गया, CDS हो गया, अलग अलग रिस्पेक्टेड एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस क्लासेस में हम लेक्चरेट की भी तैयारी सर कराते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से मतलब इस क्लास को ग्रूम करते हैं। देखिए, सबसे अगर हम पहली बात करें कि आज के समय में जो सबसे पहली चीज जो है वो है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज आपने देखा कि हर एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, और जो कि हमारे स्पेशलिस्ट क्लास के अंदर छोटे से लेकर बड़ा बच्चा तक पढ़ता है, यानी कि जो प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली लेक्चरेट, यानी कि जो SSB की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि आप स्पेशल कराते हैं, लेक्चरेट हो गया, GD हो गया, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि हमारी क्लास के अंदर, यानी कि देखिए सबसे पहली चीज है कि करत करत प्रयास। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज में प्रयास करते हैं तो रस्सी भी जो है वो पत्थर को काट देती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो मैं बोलना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करता हूँ, क्योंकि आज के समय में जो कॉन्फिडेंस है ना वो हर एक चीज में काम आता है। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस के साथ में आज के समय में मान लीजिए अगर छोटा बच्चा है, यानी कि 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी क्लास में पढ़ रहा है, आपको अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं धीरे धीरे करके यानी कि एक मोटिवेशन के साथ में वो बच्चों का ग्रूम करता हूँ, उनको चेंज करता हूँ, यानी कि मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि मैं बच्चों को छूकर ही बदल देता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हर कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाते हैं सर, मतलब मैंने देखा है या मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, तो सर आप हैंडल कैसे करते हैं उस चीज़? देखिए सबसे पहले कोई भी हमारे पास आता है तो देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट, यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप एक बार सबसे पहली चीज है भरोसा करना पड़ता है, किसी पर ट्रस्ट करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी बच्चा आता है तो मैं पहले उसको समझता हूँ कि उसमें एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम है या उसका कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है या बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार समझने के बाद फिर मैं धीरे धीरे करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। यस सर। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये क्लासेस एक्चुअली है कहाँ पर, और मतलब इस क्लासेस को इसकी टाइमिंग्स वगैरह क्या है। तो सर हम आपके मुँह से ही सुनना चाहते हैं। देखिए ये जो क्लास है हमारा दिल्ली गेट एरिया के अंदर है, और ये जो दिल्ली कैंट एरिया है सदर बाजार के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है सदर बाजार के अंडर में आता है, ये है हमारा यहाँ पे जो है सनातन धर्म मंदिर है, उसके पास में ही हमारी क्लासेस हैं। और जो है बाकी अगर कोई आता भी है तो नंबर वगैरह दिए रहते हैं तो वहाँ पे कॉल करके आ सकता है यहाँ। बिल्कुल सर, इसकी टाइमिंग भी सर? देखिए इसकी जो टाइमिंग रहती है, देखिए टाइमिंग तो इसकी इवनिंग में ही रहती है, देखिए 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है ये, तो ये इसकी टाइमिंग रहती है। और सर जो लोग हैं और मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये डेलिकेट एरिया में कंडक्ट होती हैं, तो ये बहुत सेफ एरिया है हमारी दिल्ली का, तो ये भी एक चीज है। और सर हम ये एक और सवाल है मेरा कि आप मतलब ग्रुप डिस्कशंस, सर ग्रुप डिस्कशंस कैसे होता है, हर एज ग्रुप के बच्चों में होता है, और जो इंटरव्यूज है लेक्चरेट आप प्रैक्टिस कराते हैं वो? देखिए दो तरह से क्लास होती है, एक ये रहता है कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे भी आते हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो बच्चों के अंदर भी ये होना चाहिए, तो बच्चों को भी साथ में लेकर बच्चोटे। देखिए जब आपने किसी मिशन पे इंसान होता है तो वो यही सोचता है कि मैंने अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, तो यहाँ पे मैं तो नहीं सोचता कि छोटा है बड़ा है क्या है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे उसको ट्रेंड करना है, और ट्रेंड करना है तो मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा कि तमेव माता चा पिता तमेव तमेव वम देवम देव। गुरु जो बोलता है उसको आप देखिए, मेरे पास क्या है जो SSB की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है लेक्चरेट GD जो काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में चीजें नहीं पता रहती हैं, तो मैं यहाँ पे स्पेशली उसी चीज का एक्सपर्ट हूँ जो कि हर बच्चे यानी कि बड़ों के साथ में छोटों को भी ट्रेंड कर देता हूँ। यस सर। तो सर ये जो डिस्कशन है सर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और सर हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत खुश होगी ये चीज़ जान के, और मैं भी ये चीज़ बताना चाहती हूँ जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से कि जो राहुल यादव सर है वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग टीचर है और बहुत इस तरीके से ग्रूम करते हैं कि आप हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो
काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. सो थैंक यू सो मच.